नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर बाद 3:51 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:01 तक वज्र योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:59 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 4 अगस्त की शाम 4:43 से अगली सुबह 5:29 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 4 अगस्त की सुबह 5:29 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अगस्त की सुबह 5:47 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अगस्त की सुबह 5:46 से सुबह 8:50 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अगस्त की सुबह 5:47 से सुबह 10:59 तक और एक बार फिर दोपहर 1:18 से शाम 7:23 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अगस्त की रात 9 बजे से रात 10:36 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 अगस्त की शाम 5:44 से शाम 5:53 तक और एक बार फिर शाम 7:35 से अगली सुबह 5:46 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अगस्त की रात 8:30 से रात 10:06 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अगस्त की सुबह 5:47 से सुबह 10:59 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 4 अगस्त की शाम 4:44 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:05 से सुबह 10:46 तक। मुंबई सुबह 9:30 से दोपहर पहले 11:07 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:04 से सुबह 10:46 तक। लखनऊ सुबह 8:52 से सुबह 10:32 तक। भोपाल सुबह 9:08 से सुबह 10:47 तक। कोलकाता सुबह 8:25 से सुबह 10:04 तक। अहमदाबाद सुबह 9:28 से दोपहर पहले 11:06 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:05 से सुबह 10:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है,
तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अधिकारियों के साथ आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। धन लाभ के नए सोर्स नजर आ सकते हैं। आज बिजनेस में उत्साह के साथ आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन कर पाएंगे। आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले एवं ईर्ष्या करने वालों के दांत खट्टे होंगे। आपको परिवार के किसी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको भविष्य में बड़े फायदे हो सकते हैं। दिन भर के कामों से आलस्य महसूस होगा, परंतु आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। आज पराक्रम और धैर्य की वृद्धि होगी। फैमिली का माहौल अगर खराब है तो अपनी समझदारी से और हंसमुख स्वभाव से परिवार का माहौल शांत रखने की कोशिश करेंगे। किसी सोचे हुए काम की शुरुआत आज होगी। बेटे को सफलता मिलने से खुशी का माहौल बनेगा। आपका दाम्पत्य जीवन सौहार्द से भरा रहेगा। आज किसी खास रिश्तेदार से मिलेंगे, आय के नए स्रोत बनेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या से आज आपको आराम मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरपूर रहेगा। दैनिक जीवन की गतिविधियां अच्छी चलेंगी। आपका मन आध्यात्म के प्रति अधिक रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे। इस राशि के नवविवाहितों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। रचनात्मक काम से आपको धन लाभ होगा। काम पूरा होने के बाद सहकर्मियों का आभार व्यक्त करना न भूलें। किसी काम में थोड़ी सी कोशिश करने से किस्मत का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ बेहतर समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपका काम मन मुताबिक होगा। मित्रों के साथ किसी खास विषय पर बातचीत होगी जिससे आपको फायदा हो सकता है। बात करें सेहत की तो आपको सेहत को लेकर अलर्ट रहना होगा। किसी भी काम को करने में मन अधिक लगेगा। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। आज आपको आय के कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आज खुद को शांत बनाए रखेंगे। कारोबार में सफलता मिल सकती है। छात्रों को आज सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। आज आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। आज दांपत्य जीवन के अनबन को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका एक छोटा सा प्रयास घरेलू जीवन को अच्छा बना सकता है। इस राशि के इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। अधिकारियों से खास मामले पर बातचीत होगी। सोचे हुए सभी काम समय पर पूरे होंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा पल लेकर आया है। व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद न करें। रुका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे तो फायदा हो सकता है। आज आपको ऑफिस के रुके कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक फोकस करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके काम को पूरा करने पर ध्यान दें। इस राशि के कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे। आज स्थितियां आपके फेवर में होंगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको काफी अच्छा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। वर्क प्लेस पर आपको किसी कार्य के लिए सहकर्मियों और सीनियर्स की मदद मिलेगी जिससे आपके कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन को व्यापारिक मामलों को लेकर साझेदार से मीटिंग करेंगे। कपड़ा व्यापारियों को अधिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुख सौहार्द की बढ़ोतरी होगी।
परिवार में संपन्नता रहेगी, आज आपको अपनी गलतियों का अनुभव होगा, बच्चों के प्रति आपका प्रेम उनका आपको उनका प्रिय बना देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन शुभ है, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, प्रशासनिक पद पर आसीन लोगों को पदोन्नति मिलने से खुशी होगी, नया वाहन लेने का विचार परिवारजनों से करेंगे, सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति हासिल होगी, पारिवारिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी, संतान से सुख मिलेगा, समाज में लोगों से अच्छा तालमेल बनेगा, अधूरे व साहसिक कार्य के पूरा होने के योग बन रहे हैं, अधिक भरोसा करके किसी से अपनी बातें शेयर न करें, जीवन साथी खुश होने की वजह देंगे, प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, सोचने की क्षमता में तेजी आएगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे, लवमेट अपने रिश्ते की बात घर वालों से करेंगे, आज ससुराल पक्ष में किसी मांगलिक आयोजन की सूचना मिलेगी जिसमें आप शामिल होंगे, कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, सक्सेस मिलेगी, छात्रों को लापरवाही करने से बचना चाहिए, मेहनत जारी रखें, आज अधिक खर्च करने से बचें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार के में मांगलिक कार्य होने से आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा, इस राशि के हाई एजुकेशन पाने की ख्वाहिश रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल है, बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा, घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा, दांपत्य जीवन में आपसी सामंजस्य होगा, रोजमर्रा के कामों में व्यस्तता बनी रहेगी, कारोबार में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा, नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी, दांपत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन नया बदलाव लाने वाला है, कोर्ट कचहरी का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, आज घरेलू जरूरत की चीजों की खरीदारी हो सकती है, आज अचानक होने वाली कुछ गतिविधियों पर नजर रखें, आप जो भी काम करने की सोचेंगे उसे लेकर पॉजिटिव नजरिया रखने से सब काम अच्छे से होंगे, कामकाज की अधिकता सेहत पर असर डाल सकती है, किसी रिश्तेदार के आने की खुशी में घर का माहौल पार्टी जैसा बना रहेगा, लवमेट के लिए आज का दिन यादगार रहने वाला है, आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा, अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढ लेंगे, किसी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं, इस राशि के जॉब कर रहे लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं, घर में खुशी का माहौल बनेगा, संतान पक्ष से आज आपको खुशी मिल सकती है, आप अपनी बेहतर सोच से हालात को संभालने में सफल रहेंगे, जीवन साथी के साथ आज आपका तालमेल बढ़िया रहेगा, आपको व्यापार में मुनाफा हो सकता है, आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ों का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को मिठाई खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, बढ़ता खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। मूलांक 2, आपका उदार भाव लोगों को काफ़ी प्रभावित करेगा जिससे लोग आपसे खुश होंगे। मूलांक 3, किसी मित्र से मिलने उसके घर पर जा सकते हैं, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। मूलांक 4, आप रिश्तों को की गंभीरता को समझने की कोशिश कर सकते हैं जिससे रिश्ते बेहतर बनेंगे। मूलांक 5, आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर कर लें। मूलांक 6, दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं, साथ में खूब मौज मस्ती करेंगे। मूलांक 7, कारोबारियों को किसी से जरूरी मुलाकात करनी पड़ सकती है, ये मुलाकात आपके लिए फायदेमंद होगी।
मूलांक 8, घर के किसी काम की जिम्मेदारी आ सकती है जिसे आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। मूलांक 9, आज आप जिस काम को करना चाहेंगे वो बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे डाइनिंग रूम यानी कि भोजन कक्ष के रंग के बारे में। आखिर वास्तु के अनुसार भोजन कक्ष का रंग कैसा होना चाहिए? घर के अन्य हिस्सों की तरह डाइनिंग रूम का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि डाइनिंग रूम एक ऐसी जगह है जहां घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसलिए डाइनिंग रूम में रंग कराते समय वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए, रंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष में ऐसा रंग प्रयोग करना चाहिए जो घर के सभी सदस्यों को जोड़े रखने में सहायक हो। कई बार भोजन के दौरान अहम निर्णय भी लिए जाते हैं, क्योंकि उस समय सब लोग साथ होते हैं, तो ऐसे में रंगों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। वास्तु के अनुसार डाइनिंग रूम में हल्का हरा, गुलाबी, आसमानी, नारंगी, क्रीम या फिर हल्का पीला रंग सबसे अच्छा होता है। अब देखो, हमारे हिसाब से इस रंग में पीले रंग का कोई कलर नहीं लगाना चाहिए। ये जो हमने आपको बताया, जितने भी रंग बताए, हल्का हरा, गुलाबी, आसमानी, नारंगी, क्रीम या हल्का पीला, अब इसमें क्रीम और हल्का पीला एक ही दिशा के हैं, इस रंग के ये शत्रु रंग। अब फिर इसको चर्चा करते हैं। देखो, ये आपका डाइनिंग रूम साउथ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट का नैसर्गिक रंग हरा है, ग्रीन है। पीला रंग उसका विरोधी है। वहाँ पीला रंग लगाते ही पीले रंग के तत्व यानी साउथ वेस्ट यानी आपकी माता के स्वास्थ्य को हानि होगी। अब देखो, लिखा बहुत सी चीज़ें पुस्तकों में, जो पुस्तक में लिखी हम बताते हैं, साथ में हम उसकी चर्चा भी करते हैं। तो हमारे अनुभव में, हमारे निर्णय के मुताबिक, आपको उस डाइनिंग रूम में अगर वो सही ढंग से साउथ ईस्ट में बना है तो वहाँ पर केवल हल्का हरा यानी पिस्ता ग्रीन कलर ही करवाना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें और दूसरी दिशाओं में है तो आसमानी, नारंगी, क्रीम, हल्का पीला और दिशाओं के मुताबिक आप ले सकते हैं, लेकिन सही दिशा में है तो पिस्ता ग्रीन कलर ही बेस्ट है। हल्के रंगों को देखकर वैसे भी खाना खाने वालों के मन में आनंद बना रहता है, लेकिन ध्यान रहे कि डाइनिंग रूम में काला रंग करवाने से आपको बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इतनी चर्चा डाइनिंग रूम यानी कि भोजन कक्ष के रंग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की उदया तिथि, चतुर्दशी और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर बाद 3:51 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:01 तक वज्र योग रहेगा। वज्र शब्द का अर्थ होता है कठोर। वज्र योग में वाहन, कपड़ा तथा सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आज दोपहर पहले 11:59 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता प्राप्त होती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। इस नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों को पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के पेड़, पत्तियों तथा टहनियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज वज्रयोग और पुष्य नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए।
अगर आपके बिजनेस का फ्लो धीमी गति से चल रहा है और उस फ्लो को फिर से बढ़ाने के लिए कुश नक्षत्र के दौरान पीपल का एक पत्ता लेकर आएं, उस पत्ते पर बीचों बीच काले स्केच पेन से एक बिंदु बनाइए, फिर उस बिंदु को 5 मिनट तक लगातार देखते रहें। इसके बाद उस पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और वहीं बैठकर शनि के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस का फ्लो फिर से बढ़ने लगेगा। अगर आप किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं और उससे जल्द ही बाहर निकलना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शनिदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र इस प्रकार है, ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। आज के दिन शनिदेव के इस मंत्र का जप करने से आपको कोर्ट केस की उलझनों से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही पीपल की जड़ में पानी डालना चाहिए और शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ये उपाय करने से जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं लेकिन आपको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको शनि के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। और शनि का वो मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी संतान को विदेश भेजने में जो भी परेशानी आ रही है उनसे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपको उन्नति के मार्ग में आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक कच्चे सूत के धागे का गोला लेना चाहिए। उसके बाद पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके तने पर 7 बार वो कच्चा सूत लपेटना चाहिए। फिर दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। फिर से सुनिए, ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। अगर अच्छा खासा कमाने के बाद भी आपके पास कोई खास बचत नहीं हो पाती और पैसे के मामले में आपके हाथ तंग बने रहते हैं तो आज के दिन आप पीपल के 11 पत्ते लें। अब इन पत्तों से एक माला बनाएं और शनि मंदिर जाकर अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का जप करें। मंत्र है शं ओम शं नमः, शं ओम शं नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके पास धीरे धीरे करके पैसों की बचत होने लगेगी और आपको किसी प्रकार की तंगी नहीं होगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गायब हो गई हैं तो दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां भरने के लिए आज के दिन आपको थोड़े से काले तिल लेने चाहिए और पीपल के पेड़ के पास चढ़ाने चाहिए। साथ ही पीपल की जड़ में पानी चढ़ाना चाहिए और शनिदेव के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां भरने लगेंगी। अगर आप जीवन में अपनी खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गाय के दूध या दही से बनी कोई चीज़ अपने ताऊ या चाचा को खिलानी चाहिए। साथ ही उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और बाद में इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम शं शं शन्यै नमः। ओम शं शं शन्यै नमः। आज के दिन ये उपाय करने से आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी।
अगर आपके मनपसंद विवाह में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उस समस्या से पीछा छुड़ाने के लिए आज के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही शनिदेव के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः, शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके मनपसंद विवाह में आ रही समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद देवी माँ को सफ़ेद पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। उसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में सुख बना रहेगा। अगर आप अपने बच्चों के करियर को बेहतर गति देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूब तरक्की करें, तो आज के दिन आपको देवी दुर्गा के इस खास मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जप के बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के करियर को बेहतर गति मिलेगी और उनकी तरक्की सुनिश्चित होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज पढ़ने वाले वज्रयोग और पुष्य नक्षत्र की। साथ ही आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त कामनाओं समस्त समस्याओं को हल कर सकें, समाधान निकालने में सफल हों और अपनी कामनाओं को पूरा कर सकें, हमने इसकी चर्चा भी की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, व्यापार को बढ़ाने के लिए नई योजना बनाएंगे। बी, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, जीवन साथी आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। सी, आपके ऊपर काम का दबाव बना रहेगा जिससे आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। डी, कार्यों को पूरा करने के बाद अपने लिए समय निकालेंगे, बच्चों के साथ समय बिताएंगे। ई, लवमेट के प्रति सकारात्मक बदलाव होगा जिससे रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। एफ, करियर की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा, अचानक आपको धन लाभ होगा। जी, आज आप ताकतवर बनकर उभरेंगे, परिवार के प्रति आपका प्यार और बढ़ेगा। एच, आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके किसी काम में मदद कर सकते हैं। आई, कुछ कामों को लेकर आप कोई निर्णय लेंगे, ये निर्णय आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। जे, आप कोई कीमती चीज कहीं रखकर भूल जाएंगे जिससे आप थोड़े उलझन में रहेंगे। के, किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जिससे आपके रिश्ते में अनबन जैसी स्थिति बने। एल, आज आप जिस किसी भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एम, अपने शत्रुओं से आज आप सावधान रहें, वे आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। एन, अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो पहले आप कोई जॉब तलाश कर लें। ओ, पिछले समय में किए गए कार्यों पर विचार करेंगे जिससे आप थोड़ा उलझे रहेंगे। पी, आज आपको आलस्य से बचना चाहिए, नहीं तो आपके काम बनते बनते रुक सकते हैं। क्यू, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आर, आज का दिन आपके लिए संघर्षपूर्ण रहने वाला है, किसी बात को लेकर पिताजी से चर्चा करेंगे। एस, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, दोस्तों और रिश्तेदारों को आपकी मदद मिलेगी। टी, आपको किसी काम में सफलता मिलेगी, परिवार के लोगों से प्रेम और आदर मिलेगा। यू, अगर आपकी मेडिकल स्टोर की शॉप है तो आज आपको अच्छा लाभ होगा। वी, आपके महत्वपूर्ण कार्य जो अधूरे पड़े हुए हैं
वे आज पूरे हो जाएंगे। टैब्लो किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे, साथ में परिवार के लोग भी रहेंगे। एक्स, आज किसी अजनबी को उधार देने से बचें, साथ ही पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। वाई, आज दिन की शुरुआत खुशनुमा रहेगी, आपको कोई बेहतरीन सरप्राइज मिल सकता है। जेड, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, किसी काम में आप हद से ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गुजरात के मृदेश्वर महादेव के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के गोधरा में स्थित है। इस शिवलिंग का आकार एक वर्ष में एक चावल के दाने के बराबर बढ़ता है। मृदेश्वर महादेव के बढ़ते शिवलिंग के आकार को प्रलय का संकेत माना जाता है। इस शिवलिंग के विषय में मान्यता है कि जिस दिन लिंग का आकार 8.5 फुट का हो जाएगा, उस दिन यह मंदिर की छत को छू लेगा। जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन महाप्रलय आ जाएगी। मृदेश्वर शिवलिंग की विशेषता है कि इसमें से स्वतः ही जल की धारा निकलती रहती है जो शिवलिंग का अभिषेक कर रही है। इस जलधारा में गर्मी एवं सूखे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, धारा अविरल बहती रहती है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके पैर का अंगूठा लंबा होता है और बाकी उंगलियां अंगूठे से छोटी और बराबर होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत ही शांत दिमाग के होते हैं। ये लोग जीवन का बड़े से बड़ा फैसला भी बिल्कुल कूल होकर लेते हैं, एकदम शांत होकर, साथ ही परिवार की सहमति से लेते हैं। अगर ये लोग कभी किसी मुश्किल काम में फंस भी जाएं, तो भी ये जल्दी से गुस्सा नहीं करते। हर काम में पहले अच्छे से सोचते हैं, समझते हैं और सलाह करते हैं और उसके बाद ही कोई फैसला करते हैं। किसी भी काम में निर्णय लेने का इनका तरीका बड़ा अच्छा होता है। हालांकि ये लोग थोड़े आलसी भी होते हैं जिससे इनके कामों में कभी कभी देरी हो जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा उन लोगों के बारे में जिनके पैर का अंगूठा लंबा होता है और बाकी उंगलियां अंगूठे से छोटी और बराबर होती हैं इस बारे में। और अब अवॉइड ऑफ द डे, यानी कि आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 3 अगस्त को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, अष्टमी, श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर बाद 3:51 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 4:43 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही अमावस्या तिथि में भी तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज शहद लाकर अपने कमरे के नॉर्थ वेस्ट कोने में रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।